सैफुर रहमान NA 235 पर मेरे मद्दे मुकाबिल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हिमायत याफ्ता आजाद उम्मीदवार थे। 8 फरवरी को कराची के अवाम और NA 235 के रिहायशियों ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हिमायत याफ्ता सैफुर रहमान को वोट देकर कामयाब किया। NA 235 के फॉर्म 45 इस बात का ऐलान कर रहे हैं, लेकिन अजीब बात है कि पूरी कॉन्स्टिट्यूएंसी पर चौथे नंबर पर आने वाले MQM के इकबाल खान को जीता हुआ करार दिया गया और 21,000 वोट लेने वाले सैफुर रहमान को कहीं पीछे धकेल दिया गया। बिल्कुल इसी तरीके से वो जमात इस्लामी जो दूसरे नंबर पर मौजूद है उसे चौथे नंबर पर करार दिया गया। ये नाटक है, टोपी ड्रामा है, ये ढोंग है, फ्रॉड है और ये जाली नतायज का ऐलान है। हम अवामी नतायज और अवामी मैंडेट को तस्लीम करते हैं और सरकारी नतायज को जूते की नोक पर रखकर मुस्तरद करते हैं। और NA 235 की नुमाइंदगी सैफुर रहमान का हक है, PTI के हिमायत याफ्ता आजाद उम्मीदवार का हक है। मैं उनको मुबारकबाद देता हूं और अदल और इंसाफ की खातिर उनके साथ पूरी जिद्दोजहद में जमात इस्लामी शामिल होगी, शरीक होगी और सोसाइटी के अंदर हक दिलवाने के लिए मजलूम की हामी जमात इस्लामी।